नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हृदेश यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट टीवी। अब समय हो गया है फास्ट न्यूज़ का, आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 1919 में आज ही के दिन जलियांवाला बाग में शहीद होने वाले लोगों को श्रद्धांजलि, उनका अद्वितीय साहस और बलिदान आने वाले पीड़ितों को प्रेरित करता रहेगा। वहीं कोरोना के मामलों में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बता दें कि अब तक 186.07 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 1088 नए संक्रमितों का पता चला है। एक बार फिर देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा के कई स्कूलों के छात्रों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद से 5 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बुधवार को भी गाजियाबाद के एक स्कूल के 10वीं के छात्र की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इस स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। बता दें कि हाल ही में गाजियाबाद में 2 निजी स्कूलों के 3 छात्रों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। वहीं रामनवमी के जुलूस के दौरान कुछ राज्यों में हाल ही में हुई घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। सीएम योगी ने दावा किया है कि यूपी में बड़ी आबादी होने के बावजूद प्रदेश में कोई तनाव नहीं है। उन्होंने कहा कि रामनवमी के दौरान राज्य के अलग अलग जगहों पर जुलूस निकाले गए, लेकिन कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। सीएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने मंगलवार को कहा है कि कोवैक्सीन यूरोप में बिकने वाली पहली मेड इन इंडिया कोविड 19 वैक्सीन होगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोविशील्ड की 20 करोड़ डोज का भंडार है। हम पहले यूरोपीय देशों ऑस्ट्रेलिया को कोवैक्सीन की 4 करोड़ डोज निर्यात कर चुके हैं। बकौल पूनावाला, यह एक बड़ी उपलब्धि है।